हेलो फ्रेंड्स, बीएफएम का आज हम यूनिट 2 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम, शॉर्ट में आप इसको एलआरएस बोल सकते हैं, एंड अदर रिमिटेंस फैसिलिटीज फॉर रेजिडेंट। तो रेजिडेंट को लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम्स और भी कई सारी और रिमिटेंस फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, तो वो सबका हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं पहले ऑब्जेक्टिव। तो लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम का जरूरत क्यों पड़ा? पहले का जो स्कीम था उसमें क्या था कि पहले फेमा एक्ट चलता था, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फिर उसको हटा के जो है अमेंड करके फेमा एक्ट लाया गया। तो लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम की बात आपके फेमा एक्ट में की गई थी। तो फेरा एक्ट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस था, कहीं पे भी हमें मान लीजिए बाहर जाना है, कुछ भी फॉरेन करेंसी हमें चाहिए, बैंकों से हमें खरीदनी है, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस था। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई बिजनेस भी कर रहा है उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी। तो इसीलिए इस एक्ट में अमेंड किया गया और फेमा एक्ट लाया गया, और फेमा एक्ट में आपका लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम को भी लाया गया। लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम का मतलब है कि आपको ऑटोमेटिकली एक अमाउंट जो कि अप्रूव रहता है, जो कि 2,50,000 डॉलर पर ईयर, एक साल का 2,50,000 डॉलर फिक्स है। तो अगर आपको बाहर रिमिटेंस करनी है तो आपको बार बार आरबीआई से परमिशन लेना इसका जरूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी आरबीआई ने अप्रूव करके दिया हुआ है। तो लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम में क्या है, लिबरलाइज का मतलब होता है छूट देना, थोड़ी सी आज़ादी दे देना। तो इसमें जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि हम बाहर भेज रहे उसमें हमें आज़ादी दी गई। किस तरह की आज़ादी? आरबीआई ने बोला हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, मैंने एक लिमिट बना दिया जो कि 2,50,000 डॉलर पर ईयर का है। तो एक साल में अगर आपको इतना अमाउंट भेजना है तो आप आसानी से भेजिए, मुझसे आपको पूछने का जरूरत नहीं है। तो ऑथराइज डीलर जनरली बैंक या फिर बाकी के जो आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, ठीक है। तो ऑथराइज डीलर को मालूम है आरबीआई ने 2,50,000 तक का डॉलर तक का साल भर में लिमिट दिया है। तो किसी को भी बाहर रिमिटेंस करनी होती है और उसको फॉरेन डॉलर चाहिए होते हैं तो 2,50,000 रुपये तक, डॉलर तक, वो आरबीआई से नहीं पूछता और डायरेक्ट जो है रिमिट कर देता है। तो ये सारा आपका लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम का बेसिक इसमें हो गया। कब से इसको लागू किया गया? फोर्थ है वो फैब 2004, तो 4 फैब 2004 से ये जो है एप्लीकेबल है। ये किसके लिए? ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है, जैसे हिंदू अनवेडेड फैमिली, पार्टनरशिप फॉर्म, कॉर्पोरेट, उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ इंडिविजुअल की लिमिट है जो कि 2,50,000 है, ये इंडिविजुअल्स की है। और जो प्रोप्रेटरशिप फॉर्म्स होती है, प्रोप्रेटरशिप फॉर्म्स कौन सी होती है, जिनका मालिक अकेला होता है, जैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें दो या दो से ज्यादा उसके ऑनर हो सकते हैं, पर प्रोप्रेटर मतलब सिंगल पर्सन का जो है कोई मालिक होगा, अकेला पर्सन उसी का वो है हक है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई दुकान खोली हुई है तो दुकान का मालिक कौन हो गया, प्रोप्रेटर हो गया। ठीक है, तो प्रोप्रेटरशिप जो फॉर्म्स होती है उनके लिए भी जो है लिमिट यही है 2,50,000। इंट्रोडक्शन सबने ऑलरेडी काफी देख लिया। तो ये जो स्कीम है ये किसको हेल्प करती है? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, अगर वो बाहर पैसा भेजना चाहते हैं तो उनको वो कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू भेज सकते हैं, या करंट हो सकता है या कैपिटल हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब ये करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। ये स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल है? अवेलेबल है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं इंक्लूडिंग माइनर्स, माइनर्स को भी इंक्लूड किया गया है इसमें। कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनवेडेड फैमिली, ट्रस्ट और एनआरआईज आर नॉट एलिजिबल। तो ये सारे एलिजिबल नहीं है एलआरएस के तहत। नेक्स्ट आपका आता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है। हमने यहाँ पे देखा था ना कि कोई भी पर्सन जो है पैसा भेज सकता है, रिमिट कर सकता है कैपिटल या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए। तो ये होता क्या, उसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 2E ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट जो 1999 में बना था, तो उसी के सेक्शन 2E में बोला गया है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शन विच अल्टर द असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जो कि आपकी असेट्स एंड लाइबिलिटीज को इम्पैक्ट करता होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्या किया, बाहर आप रिमिटेंस भेजना चाहते हैं, किस पर्पज के लिए, आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो शेयर्स क्या हो गए, उस आपके लिए असेट क्रिएट हो गया। या आप बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाहर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपकी एक प्रॉपर्टी बन गई, तो वो क्या हो गया, असेट्स हो गया। तो कैपिटल अकाउंट आपका असेट्स के रिगार्डिंग होता है, ठीक है। तो कैपिटल आपका असेट्स के रिगार्डिंग होता है, कुछ असेट्स क्रिएट होगा, और करंट अकाउंट नो असेट्स, कुछ भी इसमें क्रिएट नहीं होगा। बाहर आप घूमने गए किसी टूर पे, टूर के लिए आपके मान लीजिए 1,00,000 डॉलर खर्च हो गए, दो तीन आप बड़ी बड़ी कंट्रीज में घूमने गए तो 1,00,000 खर्च हो गए टूर पे, आपको कुछ मिला तो नहीं ना, हाँ घूमे आपको बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा, बट ऐसे कोई असेट तो क्रिएट नहीं हुआ ना, तो इसीलिए वो आपका करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट जिसमें कोई असेट क्रिएट नहीं होता उसको करंट अकाउंट बोलते हैं, और कैपिटल अकाउंट मतलब जिसमें कोई असेट क्रिएट होगा, जो कि आपको असेट्स क्या होता है, ऐसी चीज जो कि हमें बेनिफिट, जो हमारे किसी काम की हो, जिस इसके हम ऑनर हो, जो हमें बेनिफिट अर्न करके देती है, वो सब हमारे असेट की डेफिनेशन होती है। तो जो घर है, घर का बेनिफिट है, बाद में आप उसको बेचेंगे, या अगर आपने उसको रेंट पर बेचा है तो भी आपको कुछ पैसा अर्न करके मिलेगा। शेयर्स, वो भी एक टाइप का आपका इन्वेस्टमेंट है, तो ये सब असेट्स होते हैं। तो अगर हम अपने पैसे को रिमिट कर रहे हैं और वो ऐसे पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिससे हमारे असेट्स और लाइबिलिटीज जो है, असेट्स या लाइबिलिटीज दोनों को जो इम्पैक्ट करेगा वो होता है कैपिटल अकाउंट। तो असेट्स तो हमने देखा कोई असेट्स क्रिएट हो रहा है, कोई हमारी लाइबिलिटी को भी इम्पैक्ट कर रहा है। लाइबिलिटी को इम्पैक्ट कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए आपने बाहर रिमिटेंस की किस पर्पज के लिए, आपने मान लीजिए पहले से कोई लोन ले रखा था और वो उसकी जो है लाइबिलिटी आपने कम की है,
वो पैसा पे करके। तो आपकी लायबिलिटी को और असेट्स को अगर इम्पैक्ट करेगा तो उसको कैपिटल अकाउंट राशेस बोलेंगे, और जो आपकी लायबिलिटी को कुछ को और जो असेट को किसी को भी इम्पैक्ट नहीं करेगा तो करंट है। जैसे आप बाहर गए घूमने, आपने वहाँ घूमने में पैसा खर्चा किया, पिक्चर देखी उस पर पैसा खर्चा किया, जिससे कोई चीज़ क्रिएट हो नहीं बनी, कोई असेट्स नहीं बना, तो वो वाला ट्रांजेक्शन हो जाएगा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। या एग्जाम्पल के साथ दे रखा है, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल्स है, उसने क्या किया, बाहर अब्रॉड में वहाँ की जो ओवरसीज कोई कंपनी है, मान लीजिए यूएसए की कोई कंपनी, वहाँ की इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो उसको शेयर्स मिल गए, ठीक है, उसके फेवर में शेयर्स मिल गए, तो वो उसके लिए क्या हो गया, असेट क्रिएट हो गया। तो ये जो उसने ट्रांजेक्शन की, जो फॉरन रिमिटेंस की, जिससे उसने ओवरसीज कंपनी का इक्विटी यानी शेयर खरीदा, तो ये उसके लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो गई। और भी ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसने एक बाहर प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का वो मालिक बन गया, ऑनर बन गया, ये भी उसके लिए असेट्स क्रिएट होगी, तो ये भी उसके लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। तो कौन से सेक्शन, 2E सेक्शन में जो है कैपिटल अकाउंट के बारे में बात की गई है, ऐसे 2J सेक्शन में बात की गई है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट की क्या डेफिनेशन है 2J सेक्शन के लिए, वो हम देखते हैं। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शन अदर देन, तो कैपिटल अकाउंट को छोड़ के जो भी ट्रांजेक्शन बचेगी वो आपकी करंट अकाउंट ही होगी। और इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा, जैसे आपने कोई ट्रेड के लिए कोई पेमेंट की, आपका कोई लोन लिया, उसके लिए आपने कोई इंटरेस्ट पे किया, तो लोन के लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यानी आप अपनी लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं। इनकम हम इन्वेस्टमेंट, आपने वहाँ जाके कहीं पे इन्वेस्ट किया, वहाँ पे आप इनकम अर्न करेंगे। एक्सपेंस कनेक्टेड टू ट्रैवल, आप बाहर घूमने गए, वहाँ आपने खर्चा किया। फैमिली मेंटेनेंस, आपकी मान लीजिए फैमिली बाहर अब्रॉड में रहती है और उसको रख रखाव के लिए आप खर्चा भेजते हैं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट, बाहर आप गए मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए, तो ये सारा आपका करंट अकाउंट हो जाएगा। क्यों, इन सभी जो आपने एग्जाम्पल्स देखे तो इसमें से कहीं पे भी आपका असेट्स ये सब क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, ये आपका हो गया, ठीक है, मतलब इन सब से आपका कोई असेट क्रिएट नहीं हुआ, तो ये हमारा करंट अकाउंट हो गया। डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप इंडिया में, आपके पास पैसे, आपकी मान लीजिए सैलरी है 1 लाख, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख सैलरी में से आपने क्या किया, 20,000 रुपये खर्च कहाँ कर दिया, 20,000 रुपये का आपने क्या किया, शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो ये आपका असेट है। 20,000 रुपये की आपने आरडी करा ली, हर महीने आपका आरडी का 20,000 जाता है, ये भी आपके लिए असेट्स है। जो भी पैसा कहीं इन्वेस्ट होता है, सेव होता है, वो सब हमारे लिए असेट्स होती है, तो ये दोनों उसका कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर हो गया। ये सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि जब भी फॉरेन रिमिटेंस होती है उसी टर्म में कैपिटल और करंट बोलते हैं, विद इन इंडिया उसको नहीं बोला जाता, बट ये सिर्फ समझाने के लिए। तो 40,000 खर्च हो गए, बाकी के 60,000 से आपने क्या किया, 10,000 आपने कहीं घूमने में खर्च कर दिया, 10,000 का आपने बिजली का बिल पे किया, 10,000 का आपने महीने का राशन कुछ खर्च किया, 10,000 आपने बच्चों की स्कूल की फी पे कर दी, और 10,000 ऐसे अपने शॉपिंग में खर्च कर दिए। तो ये जो बाकी के बचे 60,000 रुपये, वो जो आपने 60,000 खर्च किए वो करंट अकाउंट है, मतलब इससे कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ, कोई भी असेट नहीं बना, वो सिर्फ हमारे रख रखाव के, मेंटेनेंस के, इस तरह के खर्चे थे, बट उसने हमारा कोई भी असेट क्रिएट करके नहीं दिया, तो वही होता है करंट अकाउंट। तो बहुत सिंपल है, कैपिटल अकाउंट जिससे कोई कैपिटल असेट क्रिएट होता है, करंट अकाउंट जिससे कोई भी असेट क्रिएट नहीं होता। और इसका भी एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपके सन या डॉटर अब्रॉड में स्टडी करते हैं, तो उसको अपने खर्चे के लिए पैसे दिए, ठीक है, तो ये सारा आपका करंट अकाउंट का हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका की सेक्शन अंडर फेमा, तो लिबरलाइज लिमिटेड स्कीम को लेके जो है कुछ सेक्शंस दिए गए फेमा एक्ट में, तो उस हम सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पहला है सेक्शन 4, इस सेक्शन में क्या बोला है कि नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल अक्वायर होल्ड ऑन, तो इसमें बोला है कि कोई भी पर्सन जो कि इंडिया का है वो क्या नहीं कर सकता, बाहर कोई भी मान लीजिए इमोवेबल प्रॉपर्टी है सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर की जो प्रॉपर्टी है उसको खरीदने के लिए जो है वो नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, फॉरन एक्सचेंज नहीं भेज सकता, अनलेस इट वॉज अक्वायर्ड बाय ही वॉज ए नॉन रेजिडेंट, मान लीजिए वो इंडिया में था ही नहीं पहले, वो नॉन रेजिडेंट था तब उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, जब वो नॉन रेजिडेंट है तब उसने प्रॉपर्टी खरीदी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अभी वो इंडिया में है और वो बाहर इन्वेस्ट करना चाह रहा है कि प्रॉपर्टी खरीदे, तो वो नहीं खरीद सकता। हाउ एवर अंडर द कंट्रोल ऑफ लिबरलाइजेशन, इसी लिबरलाइजेशन में क्या किया गया कि रेजिडेंट इंडिविजुअल आर परमिटेड टू इन्वेस्ट अब्रॉड इन अ प्रॉपर्टी और इक्विटी सब्जेक्ट टू, तो कुछ गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को अगर पूरी करेगा तो उस गाइडलाइंस को पूरी करने के बाद वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो इसी में बोला गया कि पहले तो ऐसा था कि अलाउ नहीं था, बट अभी क्या हो गया कि कुछ गाइडलाइंस है, अगर वो गाइडलाइंस आप पूरी करते हो तो उस गाइडलाइंस को पूरी करने के बाद आप बाहर के प्रॉपर्टी में या शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। तो ये बात किस में बोली गई, सेक्शन 4 में इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 6, सेक्शन 6 में क्या बोला है कि एनी पर्सन मे सेल और ड्रॉ फॉरन एक्सचेंज टू और फ्रॉम ऑथराइज पर्सन फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, और कोई भी पर्सन क्या कर सकता है कि जो ऑथराइज पर्सन होगा, ऑथराइज पर्सन कौन हो सकता है, कोई भी बैंक या कोई भी और डीलर जिसको RBI ने परमिशन दी है कि तुम फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो ऑथराइज डीलर है उससे फॉरेन एक्सचेंज ले सकता है फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए, जो भी उसको लिमिट दिया उसी लिमिट पर उसको ऐसा करना होगा। ऐसे सेक्शन 10C है, 10(6) है,
इसे बोला एनी पर्सन अदर देन ऑथराइज पर्सन, मान लीजिए कोई पर्सन है अदर देन ऑथराइज पर्सन, ऑथराइज पर्सन वही हो गया आपके बैंक या फिर डीलर जिनको आरबीआई ने अप्रूवल दिया हुआ है। तो कोई भी पर्सन हु हैज एक्वायर्ड और परचेज फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट यूज इट। मान लीजिए आपने बैंक से फॉरेन एक्सचेंज लिए, ठीक है, और आप किसी पर्पज के लिए इस्तेमाल के लिए आपने ऐसा किया, लेकिन आप उस पर्पज के लिए आपने उस पैसे को नहीं खर्च किया, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी आप ही के पास है, एंड डज नॉट सरेंडर टू ऑथराइज डीलर। तो जनरली क्या होता है कि कुछ टाइम रहता है, अगर उस टाइम तक आपके फॉरेन एक्सचेंज खर्च नहीं हुए तो वो आपको क्या करना है, ऑथराइज डीलर को वापस देने। जैसे मान लीजिए जब घूमने के लिए बाहर गए, आपने कुछ $10,000 लिए, $10,000 लिए, तो आप घूमने गए और आपका सिर्फ $5,000 में काम हो गया, तो $5,000 अभी भी आपके पास बचे हुए। तो टाइम रहता है कि 180 डेज के अंदर अंदर आपको पैसे ऑथराइज डीलर को वापस करने हैं, उसको अपने पास आप ऐसे स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है आप स्टोर करके नहीं रख सकते, नोट की बात है, कॉइन्स आप रख सकते हैं, पर जो नोट रहता है वो हमें ऑथराइज डीलर को रिटर्न करना रहता है विद इन 180 डेज। तो वही बोल रहा है कि अगर आप बाहर गए या फिर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज या किसी पर्पज के लिए आपने फॉरेन एक्सचेंज लिया, लेकिन आपने उस पर्पज के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया, वो आप ही के पास, और आपने उसको सरेंडर भी नहीं किया, ऑथराइज डीलर को वापस भी नहीं किया विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, तो उस केस में माना जाएगा कि आपने जो है फॉरेन एक्सचेंज का जो रूल है उसको क्या किया, उल्लंघन किया, कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट, तो ऐसा कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 11, इस सेक्शन में किसके बारे में बात की गई है, इसमें बोला है कि कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ आरबीआई में गिव डायरेक्शन। तो इसमें बोला है कि आरबीआई ने ऑथराइज पर्सन कौन होते हैं, बैंक या डीलर्स, तो इसी को आरबीआई ने अप्रूवल दिया होता है, तो वो पूरी डायरेक्शन देता है कि किस तरह से तुम्हें काम करना है, किस तरह से पेमेंट करनी है, कहाँ पे तुम्हें पेमेंट नहीं करनी, वो सारा कुछ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आरबीआई अपने फॉर्मेट में बोलता है कि इस फॉर्मेट में मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो कि तुमने किस किस को ट्रांसफर की है फॉरन एक्सचेंज के रिगार्डिंग, तो वो सारा बैंकों को करना होता है। लेकिन अगर किसी केस बैंक फेलियर होते हैं अपनी इस तरह की इन्फॉर्मेशन या कोई फाइलिंग रिटर्न करनी चाहिए आरबीआई के साथ और बैंकों ने नहीं किया, अगर उसमें फेल होते हैं तो पेनल्टी आरबीआई उनको चार्ज करता है जो कि 10,000 तक का हो सकता है। अगर फिर से इसी तरह का कोई चीज कंटिन्यू कर रहे हैं, ये जो कंट्रावेशन किया आपने एक्ट का इसी को कंटिन्यू कर रहे हो, तो फिर से दोबारा फाइन लगेगा एडिशनल, जो कि 2,000 पर डे का 2,000 का फाइन इस तरह से लगेगा। तो सेक्शन 11 में बात की गई है पावर ऑफ आरबीआई टू पेनलाइज, कि कैसे जो है ऑथराइज पर्सन या ऑथराइज डीलर को आरबीआई पेनल्टी लगाता अगर वो उसके हिसाब से आरबीआई ने जिस हिसाब से फॉरन एक्सचेंज का बिजनेस करने को बोला उस हिसाब से अगर बिजनेस नहीं कर रहे तो आरबीआई फाइन भी लगा सकता है। लास्ट आपका सेक्शन 13 है, इसमें किसके बारे में बात की गई है, इसमें बोला है कि एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो कि ये जो प्रोविजन ऑफ एक्ट में जिसके बारे में बात की उस एक्ट के प्रोविजन के खिलाफ उसका उल्लंघन करता है, कंट्रावेशन ऑफ एनी रूल, जो रूल्स फॉरेन एक्सचेंज में बताए गए हैं अगर उसमें से किसी भी रूल का उल्लंघन करता है, कंट्रावेशन करता है किसी भी रूल्स का, नोटिफिकेशंस का, तो उसको पेनल्टी लगेगा। कितना पेनल्टी लगेगा, जो भी अगर मान लीजिए अमाउंट इन्वॉल्व है और वो अमाउंट क्वांटेबल है, मतलब हमें मालूम है कि कितने रुपए का उसने उल्लंघन किया, मतलब कितने रुपए जो है अगर क्वांटिफाई कर सके, क्वांटिफाई मतलब हम मॉनिटरी टर्म में बता सके हाँ इतने रुपए तक का बात हुआ और उसमें उसने उल्लंघन किया, उसको पेनल्टी लगना चाहिए। तो उसका कितना अमाउंट, थ्राइस द अमाउंट, तो जितना अमाउंट इन्वॉल्व होगा तो उसका 3 गुना उसको पेनल्टी के तौर पर पे करना पड़ेगा। ये तब है जब अमाउंट क्वांटिफेबल हो सके, मतलब जहाँ पे हम बता सके हाँ इसने उल्लंघन किया इस एक्ट का और उसकी वजह से इतने रुपए तक का अमाउंट इन्वॉल्व हुआ है। अगर अमाउंट नहीं इन्वॉल्व पाए, कुछ ऐसे भी तो कंट्रावेशन हो सकते हैं जहाँ पे जो कि क्वांटेबल नहीं होते, जिसको हम रुपए के टर्म में नहीं मेजर कर सकते कि कितना लॉस हुआ, तो उस केस में जो फाइन लगेगा वो 2,000 सॉरी 2 लाख रुपए तक का लग सकता है। तो जहां पे क्वांटिफाइबल हो गया अमाउंट कि इतने रुपए तक का अमाउंट इन्वॉल्व है, तो उस जितना भी अमाउंट इन्वॉल्व है उसका 3 गुना कीजिए तो उतने का फाइन लगेगा, लेकिन जहां पे अमाउंट ही इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, क्वांटिफाइबल नहीं हो रहा, तो उसमें 2 लाख तक का जो है फाइन लग सकता है। और अगर फिर से रिपीट कर रहा है, एक बार फाइन लग गया फिर भी वही गलती दोबारा रिपीट कर रहा है, तो दोबारा से फिर से पेनल्टी लगेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आरबीआई ने एक बार पेनल्टी लगा दी अब आप कुछ भी कर सकते हैं, दोबारा से अगर आप इस तरह का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं फिर से एक और फाइन लगेगा, वो कितना होगा, 5,000 पर डे। तो जब से आपने कंट्रीब्यूशन शुरू किया तो पर डे से आपका ₹5,000 का फाइन लगेगा। तो सेक्शन 13 में बात की गई है कौन सी पेनल्टी किसी इंडिविजुअल पर लगती है अगर वो फेमा के प्रोविजन को नहीं मानता, ठीक है। तो ये सारे आपके मेन मेन सेक्शन हो गया। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है परमिसेबल नॉन परमिसेबल रिमिटेंस अंडर लिबरल। तो लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम में कुछ चीजें परमिट की गई है, कुछ चीजें नहीं परमिट की, मतलब कुछ चीजें प्रोहिबिटेड है और कुछ चीजें परमिटेड है। तो कौन कौन सा इसमें शेड्यूल 1 है और शेड्यूल 2 शेड्यूल 3, तो 3 शेड्यूल में इसके बारे में बात की गई है। तो तीनों शेड्यूल के बारे में पढ़ते हैं। पहला शेड्यूल नॉन परमिसेबल यानी प्रोहिबिटेड, तो शेड्यूल 1 में बात की गई है कि कौन सा ऐसा रिमिटेंस है जो प्रोहिबिटेड है, मतलब जिसमें रिस्ट्रिक्शन है जो कि हम नहीं कर सकते, नॉट परमिटेड। तो पहला आ जाएगा रिमिटेंस फॉर मार्जिन कॉल्स टू ओवरसीज एक्सचेंज, तो ओवरसीज या फिर ओवरसीज कोई कंपनी है या काउंटर जो है ओवरसीज एक्सचेंज, उसके लिए हमें मार्जिन पे करना है, तो मार्जिन पे करने के पर्पज के लिए हम रिमिटेंस नहीं कर सकते। पेमेंट ऑफ कमीशन और एक्सपोर्ट मेड टूवर्स, कोई आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तो उसमें जो एक्सपोर्ट है उसके लिए कोई कमीशन पे करना है वो अलाउ नहीं है। कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन की पेमेंट करनी भी, कॉल बैक सर्विसेज क्या होता है, जनरली कॉल बैक सर्विसेज वो लोग लेते हैं जिनके नंबर्स पे बहुत सारे क्यूज, जैसे मान लीजिए आप कॉल कर रहे हैं और
बहुत सारी क्यूज ऑलरेडी है, जैसे कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे चलिए फ्लिपकार्ट में आप एक बार डायल करते हैं ना, फ्लिपकार्ट को क्या बोलता है कि नंबर अभी बिजी है और थोड़ी देर में हम आपको कॉल करेंगे, ठीक है, इस तरह से बोलता है। तो वो एक तरह से वो आपको कॉल बैक सर्विसेज दे रहा है। कॉल बैक सर्विसेज का मतलब, ये कॉल बैक सर्विसेज तब लगती है, ये ऐसे नंबर के लिए लगाई जाती है जिस नंबर पे बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट है, तो आप होल्ड में काफी देर रहेंगे तो काफी इशू हो जाएगा। तो बेटर ये है कि जो सिस्टम है वो क्या करता है, लाइन से सभी क्वेरीज का आंसर करता है और जब आपका नंबर आएगा तो आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। मतलब जब आपने कॉल की, ये वही सिस्टम है, कम फर्स्ट सर्व फर्स्ट। तो ऑलरेडी मान लीजिए कस्टमर असिस्टेंट बात कर रहा है उनसे, जो भी फ्लिपकार्ट के असिस्टेंट है, तो उसका काम खत्म हो जाएगा, तो उस कॉल को काटेगा, फिर वो नेक्स्ट चेक करेगा अगला नंबर किसका है कॉल बैक में, फिर उसको कॉल करेगा। तो वही होता है कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन। तो उसके लिए कोई आपको पेमेंट करनी है फॉरन में, फॉरन में ऐसी कोई सर्विसेज ली है किसी फॉरन टेलीफोन से आपने, तब भी आपको जो है अलाउ नहीं है। कोई भी मैगजीन जो कि बैन किया गया उसके लिए आप रिमिटेंस भेजना चाहते हैं, मतलब उसको खरीदने के पर्पज के लिए आप रिमिटेंस चाहते हैं, तो भी अलाउ नहीं है। और भी इसमें कई सारे प्रोविजन दिए, जैसे कोई कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, ठीक है, डिविडेंड बैलेंसिंग के पर्पज के लिए अगर आपको रिमिटेंस करना है वो अलाउ नहीं है। रिमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड, तो आपका नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट है और इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड, तो आपका नॉन रेजिडेंट स्पेशल अकाउंट और उसमें इंटरेस्ट इनकम हुई है उसको आप रेमिटेंस करना चाह रहे हैं तो उसको अलाउ नहीं है। कोई लॉटरी विनिंग हुआ है आपको, या रेमिटेंस फॉर परचेस ऑफ लॉटरी टिकट्स, आपको लॉटरी टिकट्स खरीदनी तो उसके रेमिटेंस अलाउ नहीं। तो ये कुछ रेसिंग है या कुछ राइडिंग या किसी और हॉबी के रिगार्डिंग आपको इनकम हो रही है तो उस इनकम का रेमिटेंस अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये सारे वो रेमिटेंस है जिसको प्रोहिबिटेड किया गया है, ये शेड्यूल वन में इसके बारे में बात की। ऐसे शेड्यूल टू है, इसमें भी कुछ और रेमिटेंस है, ये मतलब पूरी तरह से प्रोहिबिटेड नहीं है, ये वो है जिनका रेमिटेंस अलाउ है सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री। तो ये शेड्यूल टू में वो रेमिटेंस आ जाएंगे जिसको ये मतलब ये 100% ना नहीं है, इसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से। अगर वो अप्रूवल दे देते तो आप ये रेमिटेंस कर सकते हैं, बट बिना अप्रूवल के आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो शेड्यूल टू में इसके बारे में बात की गई है। पहला होता है रेमिटेंस टूवर्ड्स कल्चर टूर, आप क्या चाहते हैं कि किसी कल्चरल टूर पर्पज के लिए आप रेमिटेंस चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट का जो है डिपार्टमेंट रहता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट अंडरटेकिंग, तो फॉरेन प्रिंट मीडिया मतलब फॉरेन का कोई न्यूज पेपर, वहां पर आप एडवर्टीजमेंट करवानी चाहते हैं अपना, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से परमिशन लेनी पड़ेगी। रिमिटेंस टूवर्ड्स फ्लाइट ऑफ विजल्स चार्टेड बाय पीएससी, तो पीएससी कोई विजल्स ले रहे हैं उसका किराया पे करने के लिए अगर आपको रिमिटेंस चाहिए तो उसके लिए भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट, तो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं और कैसे आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, ओशियन ट्रांसपोर्ट ऑन सिफ्ट बेसिस बाय गवर्नमेंट पीएससीज, तो आप जो है इम्पोर्ट आपने किया और उसके लिए जो ओशियन स्टार्ट हुआ था उसके आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे रिमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स बाय कोई टीवी चैनल्स या फिर कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का आप हायर करना चाह रहे हैं, हायर मतलब उनके लिए आप रेंट पे करोगे और बदले में उनकी सर्विसेज आप इस्तेमाल करोगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है कोई भी, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसकी जो है हेल्प लेनी, सॉरी इसका जो है आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। रिमिटेंस ऑफ प्राइस मनी स्पॉन्सरिंग, आप क्या करना चाहते हैं कि अब्रॉड में कोई आप किसी स्पोर्ट्स इवेंट को, कोई स्पोर्ट होने जा रहा है उसको आप स्पॉन्सर्स करना चाह रहे हैं या प्राइस मनी को आप भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, रिमिटेंस करना चाह रहे हैं, और वो अमाउंट अगर $1 लाख से ज़्यादा है तो उसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। ये तो हम शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हो, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका शेड्यूल थ्री है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिमिटेंस फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स परमिसिबल, तो क्या चीज़ें परमिट है उसको लेके क्वेश्चन बनेगा, जो नहीं है उसको लेके ज़्यादा नहीं बन सकता, पर शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है, और ये अमाउंट याद रख सकते हैं कि $1 लाख से ऊपर का, ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये आप इसमें याद रख सकते हैं। तो शेड्यूल थ्री इंपॉर्टेंट है, इसमें जो जो रिमिटेंस रेजिडेंट इंडिविजुअल कर सकता है, मतलब जो चीज़ें उसको परमिट है, जो चीज़ें उसको परमिसेबल दिया गया है ऑथराइज डीलर के पावर में, मतलब उसको आरबीआई से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, जो ऑथराइज डीलर है वो उसी के परमिसेबल में कि वो चाहे तो रिमिटेंस अलाउ कर सकता है। तो ऐसे कौन कौन से रिमिटेंस है, पहला था प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्रीज अदर देन नेपाल, नेपाल भूटान तो इंडिया का ही करेंसी आप इस्तेमाल कर पाएंगे, किसी भी और कंट्री अदर देन नेपाल भूटान, तो प्राइवेट विजिट अगर आप करना चाह रहे हैं तो ऑथराइज डीलर से ही आप रिमिटेंस ले सकते हैं। गिफ्ट या डोनेशन देना चाह रहे हैं बाहर, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, बाहर आपका कोई जॉब लगाया या किसी एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए आप बाहर जा रहे हैं। इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन क्या होता है, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं, जनरली कुछ कंट्रीज में क्या होता है जैसे वॉर होता है तो वहाँ के लोग इमाइग्रेट माइग्रेट करके दूसरी कंट्री में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ उनकी लाइफ को खतरा रहता है, ठीक है। तो इस तरह की जगह पे माइग्रेशन बहुत देखने को मिलता है, आपने बहुत ज़्यादा देखा जैसे अभी यूक्रेन का वॉर चल रहा है, रशिया का चल रहा है, तो काफ़ी सारे यूक्रेन के लोग माइग्रेट कर गए, तो मतलब अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके बस जाना, परमानेंट सेटलमेंट के लिए बस जाना, वही होता है इमाइग्रेशन। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, आपके कुछ क्लोज रिलेटिव है जो कि बाहर रहते हैं, ठीक है, जैसे आपके मान लीजिए पेरेंट्स बाहर रहते हैं, उनके मेंटेनेंस का खर्चा भेजना वो भी इसमें अलाउ है।
ट्रैवल फॉर बिजनेस बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल्स अटेंडिंग, आप बाहर किसी बिजनेस पर्पज के लिए ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, जैसे कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करने जा रहे हैं या कोई ट्रेनिंग आपको है, जैसे ट्रेनिंग की अभी यहाँ पे दिल्ली में बात चल रही है ना कि दिल्ली के जो स्कूल टीचर्स हैं उनको बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, ठीक है, फिनलैंड कौन सा कंट्री में भेजा जा रहा है क्योंकि वहाँ के स्कूल्स बहुत बेस्ट बताए जाते हैं, ठीक है, और उस केस में जैसे उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है तो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो उनकी पर्सनल जो लिबरलाइज लिमिटेड का जो लिमिट है 1,50,000 उसमें नहीं आएगा, दिल्ली गवर्नमेंट उसको भेज रही है तो उनका पर्सनल लाइबिलिटी ये नहीं है और उनका लिमिट इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो उस किसी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जा रहा है तो वो सारा आपका इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अकम्पनिंग एज अटेंडेंट टू ए पेशेंट गोइंग अब्रॉड फॉर अ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो आप अटेंडेंट के तौर पर जा रहे हैं, अटेंडेंट मतलब कोई पेशेंट है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी के फादर है, उनका काफ़ी तबीयत खराब है और वो चाहते हैं कि यूएसए में जाकर उनका ट्रीटमेंट हो, अब वो बीमार है तो उनको अकेले नहीं भेज सकते, उसके साथ आपको भी जाना पड़ेगा, तो आप ऐसे असिस्टेंट, आप उनके बेटे हो और आप ऐसे असिस्टेंट उनके साथ गए, सॉरी असिस्टेंट नहीं, इट इज़ अटेंडेंट, ठीक है, आप ऐसे अटेंडेंट उनके साथ गए उनको असिस्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, तो भी जो है आप जा सकते हैं, अब उनके साथ जा सकते हो और आपका लिमिट अपना अलग इसमें रहेगा, ठीक है, इतने सारे केसेस में जो है अलाउड है। और भी है कुछ एक्सपेंसेस कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट, बाहर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो आप कर सकते हैं, स्टडी अब्रॉड बाहर पढ़ने के लिए जाना है तब कर सकते हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हैं ना तो 2,50,000 का साल का लिमिट रहता है उतना, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा लिमिट पड़ेगा तो आपको वहाँ जो भी आपका हॉस्पिटल है उससे एक एस्टिमेट लिखवाना पड़ेगा कि हाँ ये खर्चा $5,00,000 का आ रहा है, तो फिर आप ज़्यादा अमाउंट भी वहाँ खर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2,50,000 का इलाज वहाँ कर पाएंगे, कोई ऐसा भी इलाज हो सकता है जिसमें इससे ज़्यादा पैसे खर्च हो, तो तब क्या करें, कुछ ऑप्शन तो होना चाहिए, तो ऑप्शन दिया है कि डॉक्टर से लिखवा के ले आइए, इससे ज़्यादा भी अमाउंट रिपीट कर देंगे, स्टडी अब्रॉड बाहर पढ़ाई के पर्पज के लिए, इसमें भी ऐसे अगर आपका फीस 2,50,000 तक है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा फीस है तो आप कॉलेज से लिखवाना पड़ेगा आपको प्रॉपर कि ये कॉलेज है इतना इसका फीस है, तो उससे ज़्यादा भी जो है रिपीट हो जाता है। और इसमें आ जाएगा कोई हेल्थ इंश्योरेंस आप पॉलिसी ले रहे हैं उसकी रिमिटेंस के लिए, या फिर आप कोई आर्ट इस तरह का ऑब्जेक्ट परचेज कर रहे हैं, इन सभी केसेस में आपको फॉरन रिमिटेंस अलाउ है, ठीक है, ये अलाउ का लिमिट याद रख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है, इसी में से आएगा। अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, ऑपरेशनल गाइडलाइंस अब हम पढ़ते हैं, पहला मतलब ऑपरेशनल गाइडलाइंस मतलब किस तरह से जो है जनरल गाइडलाइंस जो कि सभी के लिए काम करनी चाहिए जो कि फॉरेन रेमिटेंस चाहते हैं, पहला कोई भी स्कीम हो पैन तो बिल्कुल मैंडेटरी है, पैन कार्ड इज मैंडेटरी इरिस्पेक्टिव अमाउंट, कितना भी अमाउंट का आप रेमिटेंस कर रहे हो पैन कार्ड बिल्कुल मैंडेटरी, पहली चीज़ तो पैन कार्ड होगी, ठीक है, और जो भी आप पैसा रेमिट कर रहे हैं जो कि आपका शेड्यूल 3 में बता रखा है ना कि क्या क्या चीज़ें आप मतलब किस किस केस में आपको परमिसेबल है, तो उस केस में जो भी आप कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें जो है शेड्यूल 3 के हिसाब से करेंगे, ठीक है, वो आपका करंट भी हो सकता है कैपिटल भी हो सकता है, तो शेड्यूल 3 में जो है वो रिमिटेंस बताई गई है जो कि हमें परमिट है जो हम कर सकते हैं। इसमें बोला जो ऑथराइज बैंक होंगे टू फ्रेम अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस फॉर कस्टमर इंटरफेस टू इंश्योर ईज ऑफ ट्रांजेक्शन विद द एम्बिट ऑफ रिस्क, तो जो ऑथराइज डीलर होंगे प्रॉपर गाइडलाइंस बनाएंगे इस चीज को लेके, और कस्टमर को डिसाइड करना होगा कि कौन सी ब्रांच है जहां से वो रिमिटेंस करना चाहता है एलआरएस के तहत, 2,50,000 साल का लिमिट है तो उस लिमिट में जो है फ्रीली अलाउड है, मतलब कहीं से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, ये आप चाहे तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट या दोनों को मिला के किसी भी तरह से आप इस तरह का ट्रांसफर कर सकते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर वो होती है जिससे कोई असेट्स क्रिएट होता है, जैसे आप बाहर से कोई किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और करंट अकाउंट जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स बाहर रह रहे हैं उनके रख रखाव के लिए, आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनके मेंटेनेंस के आप खर्चे बेच रहे हैं तो वो आपका करंट अकाउंट में आ जाएगा, या बाहर आप घूमने गए किसी टूर पे तो वो क्या हो गया वो आपका करंट अकाउंट हो गया, मतलब कुछ असर उसमें क्रिएट नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिमिटेंस, कितने बार आप भेजोगे पैसा रिमिटेंस करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो टोटल है वो 2,50,000 ही होना चाहिए, मान लीजिए आपने पहले दिन भेजा $10,000, दूसरे दिन आपने रिमिटेंस की $20,000, तो अलग अलग अमाउंट सबको जोड़ लीजिए, 2,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितने बार ऐसा कर सकते, तो नंबर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई सोल प्रोप्रेटरशिप फर्म है और वो पैसा बाहर भेजना चाहती है एलआरएस के तहत वो ऐसा कर सकती है, लेकिन इसमें जो क्योंकि जो प्रोप्रेटरशिप फर्म होती है इसमें जो मालिक है वो अकेला ही मालिक होता है, तो उस केस में वो उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी माना जाएगा, ठीक है, वो ये नहीं बोल सकता मेरी प्रोप्रेटरशिप फर्म के नाम पे 2,50,000 भेजूंगा और अपने नाम पे भी 2,50,000 भेजूंगा, नहीं वो एक ही है तो इसीलिए उस पर्सन की इंडिविजुअल कैपेसिटीज को माना जाता है। और आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड के थ्रू जो है जो करंट अकाउंट ट्रांसफर से ये भी कर सकते हैं, और कोई भी फॉरेन ट्रेड का सिटीजन है और मान लीजिए इंडिया का रेजिडेंट है ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और डेपुटेशन ऑफ स्पेसिफिक ड्यूरेशन और स्पेसिफिक जॉब असाइनमेंट, और मतलब मान लीजिए कोई पर्सन किसी फॉरेन स्टेट का इंडिया में आके बसा हुआ है, इंडिया में उसकी जॉब लगेगी, ठीक है, 3 साल हो गए, मतलब मैक्सिमम 3 साल है, इट शुड नॉट एग्जिट 3 साल, तो 3 साल तक मैक्सिमम टाइमिंग है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा पर उसको परमानेंट रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि 3 साल तक है तो वो रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा, तो उस केस में वो भी रिमिटेंस कर सकता है एलआरएस के तहत।
और अगर LRS से ज़्यादा आपको अमाउंट रिबेट करना है भेजना है, तो आपको RBI से पहले से अप्रूव लेना पड़ेगा। और अगर कोई नया कस्टमर है, मतलब उसने नया नया अकाउंट ओपन किया है, तो ऑथराइज डीलर को प्रॉपर उसका ड्यू डिलीजेंस मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड कन्फर्मेशन ले लेना, उसके बाद ही अकाउंट ओपन करके उसकी रिमिटेंस करनी है। और इस केस में ऑथराइज डीलर क्या कर सकता है, उससे स्टेटमेंट ले सकता है, ठीक है, उसके अकाउंट की स्टेटमेंट, ताकि वो देख सके कि कहाँ से एग्जैक्टली फंड आया है। और अगर उसके पास स्टेटमेंट नहीं है तो उससे ITR की कॉपी भी वो ले सकता है। और वो बैंक चेक करेगा सोर्स ऑफ फंड की, कहाँ से पेमेंट आई है, क्या कोई STR सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट वाली एक्टिविटी तो फाइल नहीं हुई उस अकाउंट में, तो वो सब चेक करेगा, ठीक है। तो ये सारा आपका मेन मेन ऑपरेशनल गाइडलाइंस होगी, मतलब जनरल गाइडलाइंस किस तरह से काम करेगी। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशंस की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ता है जब भी आप रेमिटेंस करने के लिए बैंक के पास जाते हैं। अगर आप उस सीट पे है, बैंकों में अलग अलग सीट होती है ना, अगर आपने ऐसी सीट पे काम किया जहाँ पे आप फॉरेन रेमिटेंस अलाउ कर सकते हैं, तो आपको मालूम होंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। बट अगर आपने इस सीट पे काम नहीं किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला RBI ने SH को डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रिस्क्राइब किया, ठीक है, जो कि ऑथराइज डीलर को मानना चाहिए, लेकिन बैंक अपने आपको टू बी कीप ऑन सेफ साइड, तो बैंक अपने लिए कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है जो जनरली सभी बैंक फॉलो करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से। तो कोई भी कस्टमर बोलेगा कि मान लीजिए कोई पेरेंट्स आए, वो बोल रहे कि हमारे बेटे USA में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए रिमिटेंस करनी है, तो आप उनसे बोलोगे ये चीज़ें लेके आइए, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला एक होता है फॉर्म A2, तो फॉर्म A2 का फेमा डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। ये एक तरीके का मतलब फॉर्म रहेगा जिसमें सारे डिटेल्स मेंशन होगी कि किसको पैसा भेज रहे हैं, कौन भेज रहे हैं, कितना अमाउंट है, किस पर्पस के लिए भेज रहे हैं, तो वो आपका फॉर्म A2 रहता है। इसको आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें जो है 25,000 तक का जो लिमिट है, सिंप्लीफाइड मतलब जो छोटा अमाउंट है, 25,000 तक का जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत सिंपल रहेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड, तो ये पैसा जो आप भेज रहे हैं रिमिटेंस कर रहे हैं, तो ये कहाँ से आया उसको लेकर डिक्लेरेशन मतलब आपको लिख के देना पड़ेगा कि ये मेरा ओन फंड है, ये किसी और का पैसा नहीं, इस तरीके का जो डिक्लेरेशन आपको देना होगा। पैन, कितना भी रुपये भेज रहे हो, इसका अमाउंट, पैन कार्ड तो बिल्कुल मैंडेटरी, जैसे ही कस्टमर दिखेगा तो पैन कार्ड तो आपको आपको मांगना ही है कम से कम, ये तो मिनिमम लेना ही लेना। कॉपी ऑफ कन्फर्म टिकट एंड वीज़ा, अगर मान लीजिए आप बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपका वीज़ा टिकट होगा तो उसकी कॉपी आपको चाहिए होगी। और अगर आप किसी टूर ऑपरेटर का सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आपने देखा होगा ना ऑनलाइन पैकेज, बैंकों में भी अगर आप मेल ओपन करते हो तो आपको अलग अलग जगह से अलग अलग टूर ऑपरेटर के मेल्स आते हैं कि सिंगापुर यहाँ 3 कंट्रीज का टूर पैकेज है, 1 लाख 2 लाख, इस तरह के आपको मेल भी दिखते होंगे ना, तो सेम ये वही है। यहाँ पे क्या होता है कि जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं इनकी सर्विसेज ली जाती है, और मतलब सारा काम ये टूर ऑपरेटर्स ही करते हैं, इनका पूरा पैकेज रहता है और उसमें ये आपको फॉरेन में टूर पूरा कराते हैं। तो अगर आप टूर ऑपरेटर की सर्विसेज चाह रहे हैं, तो उस केस में आप अपना एक अलग से स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर लीजिए, तो वो जो आपका कस्टमर है मतलब जो आपकी टूर ऑपरेटर की सर्विसेज को इस्तेमाल करेगा, तो वो ये तो INR में या फॉरेन करेंसी में आपको पेमेंट दे देगा। एक TCS है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, TCS को लेके अभी अपने डिटेल में टॉपिक है, उसको लेके 2-3 न्यूमेरिकल्स भी है। ये आपका फर्स्ट पार्ट में तो नहीं हो पाएगा शायद, सेकंड, हाँ ये सेकंड वाले पार्ट में हम देखेंगे, इसको लेके आपका न्यूमेरिकल भी है। TCS होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तभी हम देखेंगे। तो TCS अगर आप कर रहे हैं, अगर वो एप्लीकेबल है, तो वो भी आपको कस्टमर को बताना होगा। चलिए ये सारा आपका हो गया, तो ये आपके मेन मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है रिमिटेंस अंडर लिबरलाइज रिमिटेंस फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। तो करंट अकाउंट जब ट्रांजेक्शंस करोगे तो रिमिटेंस का क्या क्या लिमिट है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन कौन सा लिमिट है, पर इसको डिटेल में हमने अभी देखा है, जो हमने शेड्यूल 3 पढ़ा था ना, कौन सा शेड्यूल 3 हमने पढ़ा था, यहाँ पे इसी को अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आपका है, पहला आता है प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री अदर देन नेपाल भूटान। तो आप प्राइवेट विजिट करना चाह रहे हैं किसी भी कंट्री, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ विजिट, तो कितने बार आप विजिट कर रहे हैं इससे कोई नहीं फर्क पड़ रहा, मेन चीज़ है कि आपको जो है कैश जो एक्सेप्ट होगा मैक्सिमम 50,000 होगा। मतलब अगर आप बैंक को जाके कैश दे रहे हो और बोल रहे हैं कि मेरे को इसको फॉरेन रिजर्व में कन्वर्ट करके दो, मेरे को USA घूमने जाना है, ठीक है, तो मैक्सिमम 50,000 तक का बैंक कैश एक्सेप्ट करेगा। अगर उससे ज्यादा अमाउंट का आपको फॉरेन करेंसी चाहिए होगा, तो आपको अकाउंट ट्रांसफर मतलब चेक लिव या इसके थ्रू जो है पेमेंट करनी होगी, कैश बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें फॉरेन करेंसी नोट्स कितना होगा, जितना आपका लिमिट है उस लिमिट तक आपको रिलीज कर दिया जाएगा। अनयूटिलाइज, ऐसा होगा आप USA से घूम के आ गए तो कुछ पैसे आपके पास फॉरेन रिजर्व बच गए, तो उस केस में आपको ऑथराइज डीलर को सेंड मतलब वापस करना पड़ेगा विद इन 180 डेज। तो आप वापस आ गए, मान लीजिए 1 तारीख को वापस आ गए, तो उसके 6 महीने के अंदर यानी 180 डेज के अंदर अंदर आपको उसको रिटर्न करना होगा। एक और इसमें लिमिट बता रखी कि कितने तक का जो है फॉरेन एक्सचेंज दिया जा सकता है इन एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी नोट्स या कैश। तो ये हम कैश का लिमिट पढ़ रहे हैं, अकाउंट ट्रांसफर का तो पूरा ये जितना लिमिट है, लेकिन कैश का हम लिमिट पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपको फॉरेन रिजर्व चाहिए, किस केस में, आपको हज यात्रा करने जाना है, ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे
ज़्यादातर लोग जो कि मोमडन मुसलमान रहते, तो उनका ये हज, उनका मतलब एक तरीके का सपना साकार होना, इस तरह से आप समझ सकते हो, मतलब उनका लाइफ का अल्टीमेट ऐसे पर्पस रहता है ना। जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं कि चार धाम की यात्रा, तो इनका ऐसा रहता है कि हज यात्रा इसको बहुत मानते हैं। और इसी को लेके कोई पुराना सीरियल भी आपने शायद देखा होगा, जिसमें एक मतलब लेडी होती है जो कि बहुत सालों तक तो अपने पैसे इकट्ठे करती है किसी हज यात्रा के पर्पस के लिए। फिर बाद में उसी जो लेडी के एक पड़ोस में कोई रहता है मतलब, और उस वो बहुत बीमार हो जाता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल कुछ उसको ट्रीटमेंट कराना होता है जिसके लिए उसको बहुत इमरजेंसी पैसे चाहिए होते, तो वरना वो उसका डेथ हो जाएगा उसके पड़ोसी का, ऐसा कोई सीन होता है स्टोरी में। फिर क्या करती है कोई, वो लेडी जिसने इतने सालों से अपने पैसे जमा किए होते हैं कि उसको हज यात्रा के लिए जाना है, उसी पैसे को वो अपने उस पड़ोसी को दे देती है, और फिर उसका ट्रीटमेंट होता है तो उसकी जान बच जाती है। तो सीरियल में ये मतलब मैसेज दिया हुआ था कि आप हज घूमने जा रहे हैं, तो उससे बेटर आपने किसी की जान बचाई तो उसको भगवान और अच्छे वे मिलेगा, इस तरह का कोई सीन था। तो जनरली ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट मानते हैं जितने भी मोमडन या मुसलमान रहते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे फॉरेन करेंसी जो आपका एक्सचेंज रेट है, तो जो हज की जो कमेटी होती है इंडिया में जो बनी है कमेटी, तो वो एक लिमिट बताती है कि कैश लिमिट इतना अलाउड है। तो उस केस में आप जो है कैश लेके भी जो है आप ऐसा कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को दे सकते हैं। और ट्रैवलर्स प्रोसिंग टू इस्लामिक, अगर आप ईरान या रशिया में जा रहे हैं, तो फुल एक्सचेंज में भी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी नोट। तो अगर आप रशिया ईरान घूमने जा रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी नोट में जो है जितना भी अमाउंट आपको फुल एक्सचेंज इसमें दे दिया जाएगा। अगर आप इराक या लीबिया घूमने जा रहे हैं, तो आपको 5,000 USD तक का जो है फॉरेन एक्सचेंज आप चेंज करा सकते हैं। अगर बाकी कंट्रीज में जा रहे हैं, तो 3,000 USD तक का, ठीक है। तो ये अलग अलग कंट्रीज का हमें लिमिट दिया हुआ है कैश की टर्म में कितना कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गिफ्ट टू ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। मान लीजिए कोई इंडिया से बाहर कोई पर्सन रह रहा है और उसको आप गिफ्ट देना चाह रहे हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया रिलेटिव, अब ये रिलेटिव का भी है इसमें, ठीक है, क्या 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 है कि कौन कौन हमारा रिलेटिव माना जाएगा, तो इसको भी कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया। दे आर मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो पहली बात वो हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स होने चाहिए। दूसरी बात दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो हस्बैंड और वाइफ है उनको भी रिलेटिव बोल लिया जाएगा। दूसरा तीसरा वन पर्सन रिलेटेड टू अनदर इन सच ए वे एज प्रिस्क्राइब, तो इस एक्ट में बताया गया कि कोई पर्सन दूसरे से किस वे में रिलेटेड होगा कि हम उसको रिलेटिव बोलेंगे। आपके फादर, स्टेप फादर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, मदर स्टेप मदर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, आपका सन अगर आपका स्टेप सन है, डॉटर, और यहाँ पे आपका स्टेप डॉटर नहीं है, डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर स्टेप ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर स्टेप सिस्टर भी हो सकता है। तो मेन मेन जो क्लोज रिलेटिव हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है, आप हैं, आपके मदर फादर हो गए, ठीक है, आपका बेटा, आपकी बेटी, बेटा तो स्टेप सन भी अलाउ है लेकिन बेटी आपकी रियल होनी चाहिए, वो स्टेप बेटी अलाउ नहीं है, ठीक है, डॉटर्स हस्बैंड और ब्रदर सिस्टर, तो ये सारे आपके जो है रिलेटिव कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी है एक्सक्लूड, तो इनके अलावा जो बच जाएगा तो आपका एक्सक्लूड भी आ जाएगा। और तो सिर्फ आप अपने रिलेटिव को ही जो है गिफ्ट देना चाह रहे हैं, तो सिर्फ आप उनको ही दे सकते हैं जो कि रिलेटिव है, और रिलेटिव भी उन्हीं जिनको आप मानते हो, जिनको एक्ट के तहत माना गया रिलेटिव, सिर्फ उन्हीं रिलेटिव को आप ऐसा भेज सकते हैं। जैसे कुछ अपने कोई दोस्त है, तो बिल्कुल आप अपने दोस्त को बिल्कुल अपना भाई मानते हो, अपने रियल भाई से भी ज़्यादा अपने दोस्त को मानते हो, बट इस एक्ट में नहीं माना जाता, तो आप उस दोस्त को नहीं भेज सकते पैसा, ठीक है। तो इस एक्ट के हिसाब से जो रियल में डेफिनेशन दी है, उन्हीं को रिलेटिव माना जाएगा और उन्हीं को आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डोनेशन टू ए पर्सन आउटसाइड इंडिया टू एन ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया, तो अगर आप डोनेशन करना चाह रहे हो तो क्या लिमिट है। जैसे इमाइग्रेशन, आप एक कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह पे बसने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी लिमिट वही है 2,50,000, और अगर इससे ज़्यादा अगर आप अपनी लिमिट को बढ़ाना चाह रहे हो, तो आपको परमिशन लेना होगा और आपको प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा कि ये जो 2,50,000 से ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हो, तो ये किस पर्पज़ के लिए आप खर्चा कर रहे हो, तो प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाना पड़ेगा। अगर ऑथराइज डेयर को लगता है कि आप सही दे रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाई है, तो उससे ज़्यादा का वो आपको जो है पेमेंट कर सकता है। और गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, आप बाहर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, और इसमें है कि मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, तो सेक्शन 277 ऑफ कंपनी एक्ट में इसके बारे में बात की गई है। जो हमारे क्लोज रिलेटिव है उनके आप मेंटेनेंस यानी रख रखाव के लिए पैसे भेजना चाह रहे हैं, तो कौन से है 277, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन कौन हमारे रिलेटिव है, मम्मी पापा भाई बहन बेटा बेटी हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और वो सारे हमारे क्लोज रिलेटिव है, तो उनको मेंटेनेंस के लिए खर्चा दे रहे हैं। मेंटेनेंस मतलब उनके रख रखाव का खर्चा, वो कहीं रेंट पे रह रहे हैं फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ का रेंट पे करना, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनके लिए मंथली ग्रॉसरी के खर्चे, और भी कई सारे खर्चे हमारे मेंटेनेंस में आते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए आप भेज सकते हैं। और नेक्स्ट आता है परचेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट, कोई आपको आर्ट इकट्ठे करने का बड़ा शौक है कि आपको कोई पेंटिंग बहुत पसंद आ गई है, बहुत ही पुरानी कोई चीज़ जो आप इकट्ठे करने के शौकीन है, तो वो आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। और डज नॉट क्राइटेरिया ट्रेड और कमर्शियल, ऐसा नहीं कि आप आर्ट
खरीद रहे हो और इंडिया में आप अपनी आर्ट गैलरी लगा रहे हो और फिर वहां पे आप उसको बेच रहे हो, तो मतलब कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं होना चाहिए, पर्सनल यूज के लिए आप उसको खरीद सकते हो। नेक्स्ट आपका बिजनेस ट्रिप है, इसमें तीन चीजें बोल गया, आप बाहर बिजनेस के लिए जा रहे हैं, दूसरा कोई कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, तीसरा आपकी ट्रेनिंग है उसके लिए जा रहे हैं। तो 1, 2, 3, ये जो तीन टाइप के हमने बिजनेस ट्रिप देखी, इफ एम्प्लॉय इज बीइंग डेपुटेड बाय एंटिटी, मतलब आपकी कंपनी आपको भेज रही है तीनों से किसी पर्पस के लिए, तो जो खर्चा है वो आपकी कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, तो ये आपकी जो पर्सनल लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है उस पर नहीं आएगा। ठीक है, बिजनेस ट्रिप ऐसा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम बाहर घूमने हम अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है। अगर हमारे को ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है तो ये हमारी अपनी मर्जी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है, तो क्योंकि ये एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भेजा जाता है, तो इसके खर्चे हमारे अपनी पर्सनल लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो कि 2,50,000 का लिमिट है उसमें ये नहीं आता। ठीक है, ये इसमें बोला हुआ। और एक्सपेंस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट, आप बाहर घूमना बाहर जा रहे हैं किसी मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ ऐसी बीमारी जिसका इंडिया में अच्छे से इलाज नहीं है, तो आप चाह रहे हैं कि बाहर जाकर अच्छे से इलाज हो जाएगा, तो उस केस में जो ऑथराइज लेटर 2,50,000 का लिमिट आपको अलाउ करता है विदाउट इंसिस्टिंग ऑन एनी एस्टिमेट। तो 2,50,000 तक के लिए तो कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर का एस्टिमेशन का कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर 2,50,000 से ऊपर आपको चाहिए तो उस केस में जो ऑथराइज डीलर है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक मतलब एस्टिमेट लेना पड़ेगा, या तो आप इंडिया के डॉक्टर से भी ले सकते हो या अब्रॉड के डॉक्टर से, तो उस एस्टिमेट में मेंशन होना चाहिए कि यहाँ पे $5,00,000 का खर्चा होगा। ठीक है, एस्टिमेट में तो 5,000 तब आप रिमिट करोगे। तो वही बोला कि अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो अगर आप 2,50,000 है तब तो कोई इशू नहीं, उससे ज्यादा तो आपको इंडिया या फॉरन के जो डॉक्टर है उनसे एक एस्टिमेट लिखवाना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन बाहर जाकर बीमार पड़ गया तो उसका भी वही 2,50,000 का लिमिट अलाउड है। और कोई जैसे आप जैसे किसी के फादर का बाहर ऑपरेशन होने हैं या किसी और पर्पस के लिए बाहर जा रहे हैं, मतलब मेडिकल पर्पस, तो कोई ना कोई तो साथ में चाहिए ना अटेंडेंट, तो अटेंडेंट भी जाएगा, अटेंडेंट का भी लिमिट अपना अलग रहेगा जो कि 2,50,000। नेक्स्ट स्टडी की बात करते हैं, बाहर आपको जैसे कहते हैं ना मेरे को बाहर की जो है पोस्ट ग्रेजुएट किसी फॉरेन कंट्री से करना है, तो आप किसी फॉर ओवरसीज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो उस केस में आपका लिमिट कितना होगा, तो वो भी 2,50,000 है, और इसके लिए कोई भी जो है तो 2,50,000 के लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 2,50,000 बियॉन्ड आप उससे ज्यादा पैसा चाहते हैं फॉरेन रेमिटेंस, तो आपका जो यूनिवर्सिटी है उसका एडमिशन आपका सिक्योर हो गया, प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा, तब आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा मेन मेन हो गया। और फॉरेन बैंक अगर गारंटी दे रहा है आपके एजुकेशन पर्पज की, तो वो अलाउ नहीं होते, आपको प्रॉपर जो है यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लाने होते हैं, उसके किसी फॉरेन बैंक के गारंटी पे जो है मतलब ये अलाउ नहीं रहता है। चलो, ये सब आपका मेन मेन इसमें हो गया। लास्ट में एक लाइन लिखी है कि फेमा में बोला गया कि कोई स्टूडेंट बाहर स्टडी पर्पस के लिए जा रहा है तो उसको आप एनआरआई ट्रीट करेंगे। ठीक है, और उसको ऑलरेडी इंडिया में जब होगा तो उसने नॉर्मल सेविंग अकाउंट कन्वर्ट बनाया होगा, तो उसको एनआरओ में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और ताकि वो उसमें रेमिटेंस कर सके, तो रेमिटेंस कितनी अलाउड है, 1,000,000 USD की अलाउड है फ्रॉम देयर एनआरओ अकाउंट टू जो है अपने जो वहां पे उसने जो अकाउंट ओपन किया होगा, मतलब उसका जो एनआरओ अकाउंट है उससे वो 1,000,000 USD तक की जो है रेमिटेंस कर सकता है, और जो उसने उसके जो एनआरओ अकाउंट में जो पेमेंट है वो लेजिटिमेटेड होना चाहिए, मतलब ऑलरेडी जो उसने सेविंग बैंक में जिसको एनआरओ में कन्वर्ट किया, तो वो अकाउंट का जो फंड है वो सही सोर्स का फंड होना चाहिए, तभी वो 1,000,000 USD तक का जो पेमेंट है अपना रिमिट कर सकता है। ये सब मेन मेन हो गया। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स हम करेंगे पार्ट 2 में डिस्कस, ऑलरेडी वीडियो आपकी बहुत बड़ी हो गई है, शॉर्ट में चलिए फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम इस वीडियो का दायन करते हैं। शुरू हमने कहाँ से किया था, शुरुआत हमारी थी यहाँ से, पहले हमने बोला था कि लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम क्या होती, तो पहले क्या होता था कि थोड़ा थोड़ा पैसा सबके लिए आरबीआई को परमिशन होना होता लेना होता था, तो आरबीआई बोलता था कि बार बार ऐसे मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं एक नया एक्ट बनाता हूँ जिसका नाम रखा उसने फेमा एक्ट। इस एक्ट में 2,50,000 का लिमिट लगा दिया गया, और 2,50,000 तक आरबीआई से कुछ पूछने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑथराइज डीलर यानी कि बैंक या डीलर के पास जाकर डायरेक्ट इतने तक का पेमेंट ले सकते हैं, तो प्रॉपर शेड्यूल 3 में इसके बारे में बात की गई है। और ये इंडिविजुअल के लिए इंक्लूडिंग माइनर्स, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप, हिंदू अनवेडेड फैमिली ट्रस्ट, एनआरओ के लिए नहीं है। इसमें दो टाइप के ट्रांजेक्शन की बात की गई है कि अगर आप 2,50,000 रिमिट कर रहे हैं तो आप कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन किसी के लिए भी कर सकते हो। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होती है, जिससे कोई असेट क्रिएट हो, जैसे आप बाहर पैसा भेज रहे हैं, आप खुद शेयर्स खरीदने किसी फॉरन कंपनी के, ठीक है, तो वहां की कंपनी के शेयर ले रहे हैं तो वहीं की करेंसी में भेजना होगा पैसा ना, तभी वो आपको एक्सेप्ट करेंगे शेयर्स के तौर पर, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट हो गया। करंट अकाउंट आप बाहर सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स या आपके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो उनके लिए आप रख रखाव के लिए उनके मेंटेनेंस का खर्चा या उनके कॉलेज का फी ये सब दे रहे हैं, तो वो आपका करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। इसमें कुछ सेक्शंस की बात की, सेक्शन 4 में बोला गया कि नो पर्सन जो है
कोई भी पर्सन जो है अगर बाहर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाह रहा है तो उसको कुछ गाइडलाइंस माननी पड़ेगी तभी ऐसा कर सकता है। सेक्शन 6 में बात की गई है कि ऑथराइज पर्सन को ही ये परमिशंस है कि वो क्या कर सकता है, कैपिटल अकाउंट या किसी और ट्रांजेक्शन के थ्रू जो है पेमेंट अलाउ कर सकता है। सेक्शन 10(6) में बात की गई है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने किसी पर्पज के लिए फॉरन एक्सचेंज लिया लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो वो अगर सरेंडर नहीं करेगा ऑथराइज डीलर को तो माना जाएगा कि उसने एक्ट का कंट्रावेशन किया, मतलब एक्ट का उल्लंघन किया। सेक्शन 11 में बात की गई है कि जो फॉरन एक्सचेंज का बिजनेस कर रहे हैं डीलर या ऑथराइज डीलर, ऑथराइज पर्सन, तो उनको आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसा बिजनेस करना चाहिए। अगर वो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं काम कर रहे या कोई इन्फॉर्मेशन आरबीआई ने मांगा अपने फॉर्मेट, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे तो उसको माना जाएगा कि उन्होंने आरबीआई का एक्ट का उल्लंघन किया, तो उनको 10,000 तक का पेनल्टी, और अगर फिर भी इसको रिपीट कर रहे हैं तो 2,000 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगा। सेक्शन 3 में बात की गई है कि कोई भी पर्सन जो कि पाया गया उसने फेमा के एक्ट का उल्लंघन किया, उसका कंट्रीब्यूशन किया, तो उसको पेनल्टी लगेगा। अगर जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है, अगर अमाउंट क्वांटिफेबल है, अमाउंट इन्वॉल्व है, तो उसका 3 गुना पेनल्टी। अगर अमाउंट नहीं समझ में आ रहा कि कितने अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट है जब इसने कंट्रीब्यूशन किया एक्ट का, तो उसके इसमें 2 लाख तक का मैक्सिमम फाइन इसमें लग सकता है। परमिसेबल और नॉन परमिसेबल की बात की गई है, मतलब किस किस को परमिसेबल है रिमिटेंस के लिए लिबरलाइज, उसको नहीं है। तो शेड्यूल 1 में बात की गई है जिसको परमिसेबल नहीं है, 2 में बात की गई है जिसको मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेके परमिसेबल है, और 3 में बात की गई है जो कि पूरा परमिसेबल है। ठीक है, तो तीनों के बारे में देखेंगे। शेड्यूल 1 में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि परमिटेड नहीं है, तो कोई मार्जिन मनी के पेमेंट के लिए आप रिमिटेंस चाह रहे तो अलाउ नहीं है, और कॉल बैक सर्विसेज के लिए पेमेंट चाह रहे हैं तो भी रिमिटेंस अलाउ नहीं है। कोई भी ऐसी मैगजीन जो कि बैन है, या फिर आप लॉटरी विनिंग का रिमिटेंस चाह रहे हैं, लॉटरी टिकट परचेस करने के लिए रिमिटेंस चाह रहे हैं, रेसिंग में या राइडिंग या किसी और हॉबी वाले पर्पज के लिए जो है पैसे को रिमिटेंस कर रहे हैं, तो उन सब में ये अलाउ नहीं है। इसमें बोला रिमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग, आपने रेसिंग करके कोई इनकम अर्न की या राइडिंग करके या कोई और हॉबी के थ्रू इनकम अर्न की, तो वो इनकम को रिमिटेंस नहीं कर सकते। ठीक है, लॉटरी आपने जीती या उस लॉटरी के जीते हुए पैसे को आप रिमिट कर रहे हैं वो अलाउ नहीं है, और रिमिटेंस फॉर परचेस ऑफ लॉटरी टिकट्स, लॉटरी टिकट्स आप परचेस कर रहे हैं उसके लिए आपने रिमिटेंस किया तो वो अलाउ नहीं है, ये आपका नॉट अलाउ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें जो डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद अलाउ है, तो जैसे कि आप कोई कल्चर टूर में जा रहे हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, या फिर आप कोई बाहर के किसी न्यूज़पेपर में अपनी एडवर्टीजमेंट चाह रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का परमिशन लेना पड़ेगा, या टीवी चैनल से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आप सर्विसेज हायर करना चाह रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का वो जो है आपको परमिशन लेना पड़ेगा। प्राइस मनी ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बाहर किसी एक्टिविटी को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, जैसे टीवी में ऐड आते ना दिस, जैसे कई बार ऐड आते थे दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय, वहाँ पे कई सारी कंपनीज के नाम आते हैं तो वही स्पॉन्सरशिप रहता है। तो अगर आप किसी स्पोर्ट्स इवेंट को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, कोई प्राइस पे करना चाह रहे हैं किसी स्पोर्ट्स के लिए, और वो अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है, तो आपको मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जो शेड्यूल 3 है उसमें क्या क्या चीज़ें परमिट है उसके बारे में बात की, यही मेन इंपॉर्टेंट है। आप किसी जगह पर विजिट करने जा रहे हैं नेपाल या भूटान को छोड़ के, गिफ्ट या डोनेशंस, और एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं, इमाइग्रेशन पर्पज़ के लिए, किसी क्लोज रिलेटिव के मेंटेनेंस के खर्चे के लिए, और ट्रैवल, बिजनेस ट्रैवल इसमें आपका आ जाएगा, या आप मतलब ट्रीटमेंट के तौर पर ऐसे अटेंडेंट बन के जा रहे हैं, जैसे किसी के फादर का ऑपरेशन हो रहा है ट्रीटमेंट तो साथ में आप जा रहे हैं तो आप अटेंडेंट हो गए, तो इन सब में जो है जा सकते हैं। 2,50,000 तक का लिमिट अलाउ है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडी पर्पज़ के लिए, कोई भी आर्ट आप परचेस करने के लिए, या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो इन सभी केसेस में 2,50,000 तक का लिबरलाइज लिमिटेड स्कीम आपका हो जाएगा। जनरल गाइडलाइंस मतलब बैंकों को क्या क्या मानना चाहिए, तो पैन तो बिल्कुल मैंडेटरी है, और शेड्यूल 3 में जो जो चीज़ें बोली गई है वो सब चीज़ें इसमें मेन मेन मानी जाती है, और 2,50,000 तक तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ पूछने का जरूरत नहीं है। जो जो चीज़ें शेड्यूल 3 में बोली गई है उसमें 2,50,000 तक का लिमिट आसानी से जो है अलाउड है। कोई सोल प्रोप्रेटरशिप फर्म है वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे फर्म के नाम पर अलग से, मेरे नाम पर अलग से, नहीं, वो एक ही साथ मिला के 2,50,000 का उनका लिमिट है। इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट या एटीएम कार्ड के थ्रू जो आप करंट अकाउंट ट्रांसफर्स कर रहे हैं तो वो भी आपका लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम की लिमिट में आता है। और जब भी कोई नया कस्टमर है मतलब नया अकाउंट ओपन कर रहा है और फिर उसको रिमिटेंस करा रहे, तो बैंक उसका प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करेगा, उसकी पुरानी अकाउंट स्टेटमेंट चेक करेगा, अगर अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है तो उसका आईटीआर की कॉपी बैंक उससे मांगेगा, और बैंक उसके स्टेटमेंट में ये भी चेक करेगा कि सोर्स ऑफ फंड मतलब पैसा कहाँ से आया, उसके अकाउंट में कहीं पैसा पुराना पैसा ऐसा ना हो जिसके लिए सस्पिशियस और ट्रांजेक्शन एक्टिविटी इस तरह का कुछ फाइलिंग किया गया हो, तो उसके इसमें अलाउ नहीं होगा, तो पूरा बैंक चेक करेगा। डॉक्यूमेंटेशन आरबीआई ने वैसे तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बताया, बट बैंक टू बी कीप ऑन सेफ साइड, बैंकों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जनरली बैंक प्रेफर करते हैं। फॉर्म A2 मतलब फेमा को लेकर डिक्लेरेशन कि इतना इतना पैसा यहाँ भेजना, आपका साइन इन सब रहेगा इसमें। ठीक है, तो वो आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। 2,50,000 तक जो डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी सिंप्लीफाइड रखा है। डिक्लेरेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड मतलब ये पैसा कहाँ से आया जिसको आप रिमिट कर रहे हैं तो उसका डिक्लेरेशन देना होता है, पैन कार्ड आपको देना है, अगर आप घूमने जा रहे हैं अब्रॉड घूमने के लिए तो टिकट्स और वीज़ा का कॉपी, और कोई टूर ऑपरेटर को अगर आप सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो टूर ऑपरेटर चाहे तो अकाउंट ओपन कर सकता है, तो उसके अकाउंट में आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, या वो रुपीज़ या फॉरन करेंसी किसी में भी पेमेंट ले सकता है। TCS एप्लीकेबल रहेगा, जैसे टूर ऑपरेटर या कुछ और अगर जहाँ पर TCS एप्लीकेबल है तो वो आपको TCS डेबिट करके ही बाकी का पेमेंट उनको देना है, जहाँ पर TCS एप्लीकेबल है वो आपको लेना ही होगा।
नेक्स्ट आता है रेमिटेंस फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। तो प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री, तो इसमें लिमिट है कि कैश में 50,000 तक का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और बाहर आप घूमने के पैसे बच गए, जैसे आप यूएसए गए, आपके पास $5 अभी भी बचे, तो 180 डेज के अंदर अंदर ऑथराइज रेट को पैसे आपको वापस करने। अपने पास ऐसे फॉरन रिजर्व, हम फॉरन करेंसी नोट अपने पास ऐसे नहीं रख सकते स्टोर करके, वो अलाउ नहीं है। कैश में जो है कितना तक कर सकते हैं, अगर आप हज यात्रा के लिए जा रहे हैं, हज कमेटी ने जितना डिसाइड किया कैश लिमिट, तो उस लिमिट तक आप कर सकते हैं। लिबिया और इराक का 5,000 तक, रशिया और रिपब्लिक ऑफ इराक का जितना भी अमाउंट है फॉरेन करेंसी नोट आप रिलीज कर सकते हैं फुल। बाकी कंट्रीज़ का $3,000 लिमिट है। गिफ्ट टू अ पर्सन, तो हम गिफ्ट भी किसी को भी नहीं दे सकते, हम अपने रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव में कौन कौन आ जाएगा, हिंदू अनवेडेड फैमिली, और ये कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया कि कौन हमारा रिलेटिव होगा। तो हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये कंपनी एक्ट डिसाइड करेगी कि कौन हमारा रिलेटिव होगा। तो हिंदू अनवेडेड फैमिली का मेंबर होना चाहिए हस्बैंड वाइफ, इसके अलावा कोई भी पर्सन दूसरे से रिलेटेड होगा इस मैटर में, जैसा कि एक्ट में बोला गया, फादर मदर पापा मम्मी भाई बहन बेटा बेटी बेटी के हस्बैंड। ठीक है, ये सारा हमारा आ जाएगा। तो बस बेटी जो है स्टेप डॉटर अलाउ नहीं है, बाकी सब में स्टेप आपको अलाउ है। डॉटर और डॉटर हस्बैंड में स्टेप अलाउ नहीं, बाकी हर जगह स्टेप अलाउ, मतलब सगा भाई हो या फिर सौतेला भाई हो, दोनों ही इसमें अलाउड है। डोनेशन टू ए पर्सन आउटसाइड इंडिया, तो बोल रहा है कि अगर आप इमाइग्रेशन के लिए जा रहे हैं, इमाइग्रेशन के लिए यानी परमानेंट सेटलमेंट के लिए आप जा रहे हैं, तो उस केस में 2,50,000 तक का अलाउ है। इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हैं बियॉन्ड, तो आपको प्रॉपर प्रूफ देना होगा कि कहाँ का आपके खर्चे हो रहे हैं। अगर ऑथराइज लेटर सेटिस्फाइड है, तो आपको उससे ज़्यादा भी पेमेंट अलाउ कर सकता है। गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, और इसमें बोला गया कि मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, तो आपके जो क्लोज रिलेटिव के मेंटेनेंस का आप खर्चा भेज रहे हैं, तो जो रिलेटिव को डिफाइन किया गया है कंपनी एक्ट में 2013 में उसके सेक्शन 277 में, तो उन्हीं रिलेटिव को आप पैसा मेंटेनेंस के पर्पज के लिए भेज सकते हैं। परचेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट, कोई भी आप आर्ट परचेज करना चाह रहे हैं, मतलब अपने यूज के लिए, अपने घर पे रखने के लिए, किसी कमर्शियल या ट्रेडिंग पर्पज के लिए, जैसे कुछ गैलरीज, कुछ फोटोज या कुछ पेंटिंग आप खरीद रहे हैं अपने घर के लिए, अपने घर को सजाने के लिए, तो उसके लिए केस के लिए आप उसको फॉरन रिमिटेंस अलाउ है। बिजनेस ट्रिप्स, तो बिजनेस ट्रिप्स में 3 टाइप की ट्रिप है, आप ट्रैवल के लिए घूमने जा रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, या कोई ट्रेनिंग के लिए। तो तीनों ही केसेस में जो है खर्चा अगर आपकी कंपनी उठा रही है, तो कंपनी का अलग केस है, उसमें आपका लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम नहीं माना जाएगा। उसके अलावा आता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में लिमिट कितना अलावा है, 2,50,000 है। इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हो, तो इंडिया के डॉक्टर या फॉरेन के डॉक्टर से आपको एस्टिमेट लिखाना पड़ेगा। स्टडी पर्पज़ के लिए क्या बोला है कि 2,50,000 तक अगर खर्चा आ रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है, उससे ज़्यादा है तो फिर आपको लिखवाना पड़ेगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा कि कहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं। चलिए, ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। TCS हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।